करें, आपको याद होगा जावेद, जब ये 2016 में कथित जो पूरा घोटाला मामला है सामने आया, उस वक्त भी अमानतुल्लाह खान के साथ साथ 10 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की गई। इस साल भी जब अप्रैल में पूछताछ हुई ईडी ने, एक लंबी पूछताछ अमानतुल्लाह खान से किया, वैसे में जब गिरफ्तार अमानतुल्लाह खान हो चुके हैं तो अब और भी जो साथ के लोग हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, हो सकता है कि पूछताछ के बाद और भी लोगों पर शिकंजा यहां कसा जाए, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा गिरफ्तारियां इस मामले में अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए लोगों पर भी हो चुकी हैं। जावेद, चलिए एक बार फिर से जावेद से संपर्क करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये वही अमानतुल्लाह खान है जिन्होंने इस बात का सुबह ही जिक्र कर दिया था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है अब से थोड़ी देर पहले, अब से कुछ मिनट पहले ईडी की टीम इसी रास्ते से अमानतुल्लाह खान को लेकर निकली थी। करीब 6 से 7 बजे के बीच में ईडी का एक दस्ता अमानतुल्लाह खान के सुबह सुबह घर पहुंचा, जहां उस वक्त पहुंचने पर भी काफ़ी ड्रामा हुआ और काफ़ी बहस के बाद ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर जा सकी और खुद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि ईडी की टीम उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है। और अब ईडी की टीम करीब 12 से 12:30 के बीच में यहां से लेकर निकली है। अब से थोड़ी देर पहले, करीब 5 से 10 मिनट पहले ही ईडी की टीम यहां से अमानतुल्लाह खान को लेकर निकली है और अब यहां से ईडी उन्हें सीधे ईडी मुख्यालय ले जाएगी, जहां उनसे आगे की पूछताछ होगी और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या ईडी रिमांड मांगेगी, ये ऐसे सवाल है, क्योंकि लगातार ईडी की टीम जो है वो इस मामले की छानबीन कर रही थी। अमानतुल्लाह खान ने हालांकि आरोप लगाया कि जावेद, क्योंकि ये तो बात सच है कि अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार तो पहले से लटक रही थी। पूरे मामले में 2022 में जब चार्जशीट दाखिल हुई, उस वक्त भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, उनके घर से 24 लाख रुपए, कुछ हथियार बरामद हुए थे, बाद में जरूर जमानत मिल गई थी। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी भी यही दलील दे रही है कि ये एक झूठा केस है, इस पर पहले जमानत मिल चुकी है, लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है तो उसके पास कुछ पुख्ता सबूत होते हैं। तो फिलहाल इसी के मद्देनजर ईडी की टीम आज सुबह सुबह पहुंची और ईडी की टीम जब पहुंची तो उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद बाद में घर से ही उनको गिरफ्तार किया गया। घर से टीम लेकर निकली तो उस वक्त यहाँ पर स्थिति काफी भीड़भाड़ वाली हो गई थी, तो फिलहाल ईडी की टीम उन्हें लेकर निकल चुकी है, लेकिन अब जो कानूनी प्रक्रिया है इसकी वो आगे बढ़ेगी, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं ईडी रिमांड मांगती है आगे पूछताछ के लिए, तो हो सकता है कि इसमें कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उनकी रिमांड मांगी जाए। और अब इस कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अब दिल्ली में जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई कि अमानतुल्लाह खान के घर ईडी पहुंची है, तब से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां आम आदमी पार्टी ईडी पर और बीजेपी पर आरोप लगा रही है दुर्भावना का, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेर रही है। तो ऐसे में दिल्ली की सियासत तो एक तरफ इस पर बढ़ेगी ही, लेकिन अब मुश्किलें अमानतुल्लाह खान की भी बढ़ेंगी और आम आदमी पार्टी के जो ईडी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्यवाही ईडी की चली है उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, हमें मालूम है अरविंद केजरीवाल पहले से ही आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्त में है, वो जेल में है। ऐसे में अब अमानतुल्लाह खान को लेकर और राजनीतिक विवाद देखने को मिलेगा जी। और जावेद, जैसा पहले भी हमने देखा कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है और बार बार तानाशाही के जो आरोप है वो लगाने की कोशिश की है। और आज सुबह से भी हमने ये देखा, अब आने वाले समय में एक तरफ कानूनी दाव पे चले जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के तौर पर एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी इसे बनाने वाली है, छोड़ेगी नहीं इस मुद्दे को अमानतुल्लाह खान के नाम पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह से ही अमानतुल्लाह खान के घर जब ईडी पहुंची तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट्स आए, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई। संजय सिंह ने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, अभी आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर आरोप लगाए हैं। तो ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी की लाइन बड़ी क्लियर है, वो ईडी की जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो उसे राजनीतिक दुर्भावना की कार्रवाई करार देती है।
और बीजेपी को ईडी के बहाने घेरा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो गलत कामों में शामिल है, इसलिए ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। तो यकीन मानिए कि जो सियासत है दिल्ली की वो और ज्यादा इस मुद्दे पर बढ़ेगी। और अब ईडी की तरफ से क्या निकलकर सामने आता है, पूछताछ में क्या सामने आया, सर्च में ईडी को क्या मिला, 5 से 6 घंटे की सर्च ईडी की टीम की अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर चली है, उसमें क्या मिला, पूछताछ में क्या निकलकर आगे सामने आएगा, इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि ईडी अब आगे बताएगी जिस तरह से वो पिछले केसेस में बताती रही है। जी बिल्कुल जावेद, आप हमारे साथ एक बार बने रहिए। देखिए एक बार दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर जिस मामले में गिरफ्तारी की गई है अमानतुल्लाह खान की, आखिर वो मामला क्या है। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये पूरा मामला है, और दरअसल ये क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी अमानतुल्लाह खान रह चुके हैं, और जिस वक्त वो अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने 32 जो है ऐसी भर्तियां करी थी जिसमें ये कहा जाता है कि सरकारी नियमों की अनदेखी की गई, पैसों का दुरुपयोग किया गया, उसमें उनके 5 रिश्तेदार जो है वो भी मौजूद थे और ओखला क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, जावेद मेरे साथ बने हुए, और अमानतुल्लाह खान की गाड़ी का पीछा करते हुए आनंद तिवारी, क्योंकि उन्हें जो है अभी ईडी ऑफिस ले जाया जा रहा है जो जानकारी मिल रही है। एक बार आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, ईडी ऑफिस ही ले जाया जा रहा है अभी फिलहाल अमानतुल्लाह खान को? जी देखिए बिल्कुल, जो ईडी का हेडक्वार्टर है विद्युत भवन, वहां पर अब जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्हें ईडी की टीम लेकर जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो भी साथ में है, और ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी जो है वो बढ़ा दी गई है। जो डीसीपी नई दिल्ली है वहां पर मौजूद है, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली कि अमानतुल्लाह खान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा जो मामला था, जिस पूरे मामले की जांच पहले सीबीआई भी कर रही थी, और जो एंटी करप्शन ब्रांच है दिल्ली सरकार की, उसी दोनों शिकायतों की एफआईआर को आधार बना के ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्री का मुकदमा दर्ज किया था। और हमने देखा था कि कुछ महीने पहले ईडी ने एक लंबी पूछताछ जो है ईडी हेडक्वार्टर में अमानतुल्लाह खान से की थी, और देर रात को जो है उन्हें छोड़ा गया था, और उसके बाद लगातार उनके घर पे भी 2 से 3 बार जो है ईडी ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज सुबह भी ईडी की टीम करीबन 6:30 बजे ही अमानतुल्लाह खान के घर पे पहुंच गई थी, जिसके बाद काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला, वहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और उसके बाद ईडी की टीम जब अंदर गई बहुत देर तक सर्च ऑपरेशन होता रहा। वहां पर कई तरह के वीडियो जो है वो सामने आए, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे आरोप जो इस पे लगाए, लेकिन ईडी का कहना था कि वो कानून संगत और न्याय संगत इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अब अमानतुल्लाह खान को जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला था, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें जो नियुक्तियां हुई थी, नियुक्तियां उसमें खान जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने अपने करीबी और घर के रिश्तेदारों को की थी, इसके अलावा जो बोर्ड की संपत्ति थी उसको जो है किराए पे देने का भी आरोप जो है वो अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगा था। इस पूरे